नमस्कार दोस्तों, और हम देखेंगे आज कर्नाटक एंटी सुपरस्टिशन बिल के बारे में, जो कि अभी हाल ही कर्नाटक गवर्नमेंट ने बनाया है। तो ये न्यूज़ में क्यों है? तो रिसेंटली कर्नाटक कैबिनेट चेयर मतलब क्लियर किया प्रिवेंशन एंड इरेडिकेशन ऑफ इनह्यूमन एविल प्रैक्टिसेस एंड ब्लैक मैजिक बिल 2017 को, मतलब कर्नाटक गवर्नमेंट ने एक बिल बनाया है, उसको अपना अप्रूवल दे दिया। उसका नाम है प्रिवेंशन एंड इरेडिकेशन ऑफ इनह्यूमन एविल प्रैक्टिसेस एंड ब्लैक मैजिक बिल, जो ब्लैक काला जादू जादू टोना होता है ना, उससे रिलेटेड जो भी प्रैक्टिसेस होती हैं जो लोगों को नुकसान पहुंचाती है, जानवरों को नुकसान पहुंचाती है, उनसे संबंधित बिल को कर्नाटक गवर्नमेंट ने अब बनाया रोकने के लिए। द बिल हैज बीन ड्राफ्टेड ऑन द लाइंस ऑफ द महाराष्ट्र प्रिवेंशन एंड इरेडिकेशन ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइसेस अदर ह्यूमन एविल एंड अगोरी प्रैक्टिसेस एंड ब्लैक मैजिक एक्ट 2013। तो 2013 महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी एक ऐसा ही बिल बनाया था, तो उसकी तर्ज पर ही कर्नाटक गवर्नमेंट ने 2017 में ब्लैक मैजिक एक्ट बिल बनाया है, जिसको क्लियर कर दिया गया है। तो इस सिग्निफिकेंस क्या है इस बिल का? तो इस बिल में मतलब इस बिल के जरिए अब क्या हो, जैसे काला जादू जादू टोना विचक्राफ्ट जैसी चीज़ें होती हैं जो धर्म के नाम पर की जाती हैं, जो लोगों को नुकसान पहुंचाती हैं, जानवरों को नुकसान पहुंचाती हैं, उनको समाप्त करने की कोशिश की जाए, इसी को ध्यान में रखकर ये बिल बनाया गया है। इसमें प्रोविजन है डील करने के लिए, स्ट्रांगली डील करेंगे जो भी क्रूअल प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे कि ह्यूमन सेक्रीफाइस, पैराडिंग नेकेड वुमेन, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, जो कि सुपर नेचुरल पावर द्वारा लागू की जाती है, मतलब इन्वोक की जाती है, उनके द्वारा जो भी प्रैक्टिसेस की जाती हैं धर्म के नाम पर की जाती हैं, उसको क्लियरली मतलब प्रोविजन है कि डील करना, स्ट्रांगली उनसे डील करना। अगर वो ऐसे कोई भी मैटर सामने आता है जो भी प्रैक्टिस की जा रही है, इसके लिए एक ऑफिसर भी अपॉइंट किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। और इस बिल को नाम दिया गया है एंटी सुपरस्टिशन बिल के नाम से, इसको पॉपुलराइज किया जा रहा है। तो हम ये देख लेते हैं कि इसमें है ना कौन कौन सी प्रैक्टिसेस बैन की गई हैं इस बिल के द्वारा। तो पहली प्रैक्टिस है उरुलू सेवी, मींस फैसिलिटेटिंग एनी पर्सन और पर्सन रोल ओवर ऑन द लीव्स। मतलब इस उरुलू सेवी में क्या होता है, पहले है ना लोग खाना खा लेते हैं, तो उनकी जो झूठी पत्तलें बसती हैं उन पर है ना, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, उन पत्तलों पर लेटना, उन पत्तलों पर लेटते हुए चले जाना, ऐसे उरुलू सेवी प्रैक्टिस कर्नाटका में की जाती है, तो इसको बैन किया गया है इस एक्ट में। हमारी अगर ये फायर बॉक्स आग पे चलना, इस प्रैक्टिस को भी है ना इस बिल में बैन करने की बात कही गई है फायर बॉक्स को। अगला हमारा है सीढ़ी। इस प्रैक्टिस में क्या होता है ना, शरीर को मतलब पीछे के हिस्से को मतलब चुभो के ऊपर टांग देना, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है, उसके पीछे खाल से सूरा वगैरह घुसा के उसको है ना ऊपर लकड़ी पर टांग देते हैं। तो इस प्रैक्टिस को भी है ना बैन किया गया है बिल के जरिए। और कुछ प्रैक्टिसेस हैं जैसे कि बाई विगर प्रैक्टिस। इस प्रैक्टिस में क्या होता है, प्रैक्टिस ऑफ पियर्सिंग फ्रॉम रोड फ्रॉम वन साइड। मतलब इसमें क्या होता है कि ना एक रोड को है ना जबड़े के एक हिस्से से, जिसमें जीप भी इंक्लूड की जाती है, उसको घुसाते हुए सेकेंड जब जो मतलब दूसरे गाल पर लाया जाता है इस प्रैक्टिस में, बाई विगर प्रैक्टिस इसमें नाम है। अगला गंदरा डोरा। इसमें क्या होता है, प्रोहिबिटिंग एंड प्रिवेंटिंग अ पर्सन फ्रॉम टेकिंग मेडिकल ट्रीटमेंट। मतलब इसमें क्या है, किसी पर्सन को मेडिकल ट्रीटमेंट लेने से रोका जाता है या निषिद्ध किया जाता है, यदि उसको डॉग काट ले, स्नेक काट ले और स्कॉर्पियन कुछ भी काट ले, उसको है ना रोका जाता है इस प्रैक्टिस के नाम पर, गंदरा दौरा के नाम पर, और उसको क्या दिया जाता है, सुपरस्टिशियस ट्रीटमेंट दिया जाता है इसकी जगह पर, जबकि उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए ऐसे के। अगला हमारा है कि है ना जो इसको गंदरा दौरा को भी बैन किया गया है, गाबू। छठवा हमारा गाबू, फोर्सिंग पर्सन टू कैरी ऑन इवन प्रैक्टिस, जैसे किलिंग ऑफ मतलब गाबू यानी नर्वली प्रथा, उसकी किसी गर्दन काट लेना एनिमल्स की, ऐसी नर्वली प्रथा को भी इसमें बैन किया गया है, जो कि पब्लिक हेल्थ के लिए काफ़ी खतरनाक साबित है। तो इसमें एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन सी प्रैक्टिस हैं जो बैन की गई हैं। तो पहली प्रैक्टिस तो है ना उरुलू सेवी है, जो कि लेट से पत्थरों, दूसरी है आग पर चलना फायर वॉक, तीसरी इसमें सीधी के नाम है जो कि है ना लटका देते हैं, चौथी है बाई विगर प्रैक्टिस को इसमें बैन किया गया, पांचवा गंदरा दौरा को किया गया है, छठवा इसमें गाबू को किया गया है। अब हम देखते हैं ऐसी कौन सी प्रैक्टिस है जो कि है ना इसमें बैन नहीं की गई है या फिर अलाउ की कर दी गई कि जो कर सकते हो अब। तो प्रदक्षिणा या परिक्रमा, मतलब किसी भी होली प्लेस की जैसे कुछ किसी की आप परिक्रमा कर सकते हो, प्रदक्षिणा कर सकते हो, इसको बैन नहीं किया गया है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचता है। अगली है यात्रा, किसी भी होली पिलग्रिमेज में जाने के लिए, रिलीजियस प्लेस में जाने के लिए यात्रा को भी बैन नहीं किया गया है। अगली है रिलीजियस आर्ट फॉर्म, जो भी धार्मिक कलाएं होती हैं, आर्ट फॉर्म्स होती हैं, जो भी वो कर सकते हैं, हरिकथा कहना, कीर्तन करना, भजना, उपासना करना, ये सब बैन नहीं की गई हैं इस बिल में।
ये हमारा कर्नाटका सुपरस्टिशियस बिल के बारे में था जो कि रिसेंट कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। अब हमारा अगला करंट अफेयर्स आएगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया है साउथ कोरिया के साथ। तो क्या है, तो इसको मतलब साउथ कोरिया के साथ लॉन्च क्यों किया है इन्होंने MOU साइन, तो इसमें है ना उनका क्या हुआ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए साउथ कोरिया के साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने MOU साइन किया है। अब किसकी फील्ड में, स्मार्ट सिटी के फील्ड में, रोड्स, एयरपोर्ट्स, मेट्रोज, इन सभी के फील्ड में कर्नाटका गवर्नमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट हैं उसमें तेजी आई इस प्रोजेक्ट को साइन करने के बाद।